हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज तक हमने बहुत सारे ओपनिंग के वीडियो देख लिए। 155 जितने वीडियोस, जिसमें से मैंने 140 जितने वीडियोस तो मेरे चैनल में ओपनिंग के ही डाले हैं। अब लोग मुझे सवाल कर रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग ही क्यों सर बता रहे हैं? आप हमें कुछ और भी बताइए, मिडल गेम सिखाइए, एंड गेम सिखाइए, और तीनों पार्ट्स आपके क्लियर होने जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ओपनिंग अच्छे से आती है लेकिन मिडल गेम में खेलना नहीं आता और टैक्टिक आप नहीं यूज करते हो, तो आपकी गेम में कोई फायदा नहीं होगा ओपनिंग सीखने के बाद। और दूसरी बात कि जब ओपनिंग आ जाती है, मिडल भी आपको आता है, लेकिन एंड गेम में पॉन एंडिंग आपको खेलना नहीं आता या रुक एंडिंग आपको नहीं आता, तब भी आप गेम जीत नहीं पाओगे। तो दोस्तों, हमारे चेस के तीन पार्ट्स जो है, ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम, तीनों पार्ट्स हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए। एंड गेम के बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें अपोजिशन के बारे में मैंने बताया था, रूल्स ऑफ बर्गर स्क्वायर के बारे में बताया था। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड गेम के बारे में। तो एंड गेम के बारे में पूरी एक बुक मैंने तैयार की है, तो इसके लिए कंटिन्यूज आपको बैक टू बैक मैं कुछ दिन एंड गेम सिखाऊंगा। तो एंड गेम सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं होए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक टॉपिक से, एंड गेम किंग और पॉन की एंडिंग। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो किंग पॉन एंडिंग, जिसमें ये आपके सामने दोस्तों अभी पोजीशन है, वो है वर्टिकल अपोजिशन की पोजीशन है। चेस में दो टाइप की अपोजिशन है, एक वर्टिकल अपोजिशन और दूसरी जो होती है हॉरिजॉन्टल अपोजिशन। तो यहाँ सबको आता भी होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा बेसिक से। स्लीपिंग अपोजिशन यानी हॉरिजॉन्टल अपोजिशन, जिसमें ऑलवेज गेम विनिंग होती है, जिसके पास पॉन होता है वो हमेशा ये गेम जीत जाता है। और वर्टिकल अपोजिशन, अगर वर्टिकल अपोजिशन पहले से है, किंग बिहाइंड द पॉन है और हमारा किंग उसके पॉन के आगे है, तो ये पोजिशन वर्टिकल अपोजिशन है। इस पोजिशन में हम गेम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कई लोगों को पॉन माइनस होने के बाद गेम को ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि वो अपोजिशन के बारे में नहीं जानते। अब ये सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा। यहां से ध्यान रखिए, हम व्हाइट से खेल रहे हैं और हमारे पास सिर्फ किंग बचा है, तो हमें गेम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपोनेंट के पास एक पॉन है, तो आपको इस पॉन को प्रमोट होने से रोकना है। यानी कि ये लास्ट में ऐसी पोजिशन आनी चाहिए कि इसका पॉन यहाँ पे सेकंड रैंक पे आ गया है और किंग यहाँ आता है, और ये पोजीशन में अगर व्हाइट का टर्न है, मतलब हमारा चांस है, तो गेम हो जाएगी स्टेलमेट, और यानी स्टेलमेट यानी गेम ड्रॉ। आपको मैंने पहले बताया था कि स्टेलमेट के बारे में भी वीडियो अपलोड किया है, तो अगर जिसने नहीं देखा स्टेलमेट तो आप पुराने वीडियो चेक करके स्टेलमेट का वीडियो ढूंढ के उसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू से करते हैं हम। प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा कैसे आपको व्हाइट के मूव करने हैं। तो सबसे पहले आपका टर्न है, तो आपको किंग को पॉन की लाइन में खेलना है, ना कि आजू बाजू। अब ब्लैक जिस साइड आता है, जैसे कि D7 पे आता है, तो आपका किंग वर्टिकल में ही खेलना है D5 पे। अगर ब्लैक किंग यहाँ से F7 पे आता है, तो आपका किंग खेलोगे F5 पे। तो ध्यान रखिए, जब भी सामने वाला अपना किंग पॉन के बाजू में आता है, तभी आपका किंग उसके सामने आना चाहिए। मूव ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसीलिए कई कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि किंग को ऊपर खेलने के बजाय पॉन के पीछे ही खेलते रहते हैं, ताकि मूव ऑर्डर चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे, तो मैं बताऊंगा आपको किंग को वापस से पॉन को ब्लॉक कर देना है। अब यहाँ पे वापस से वो वही पोजीशन में आ जाएगा, फिर हम किंग को ऊपर ले लेंगे पॉन की लाइन में। जैसे वो किंग D7, यहाँ पे किंग F7 F5 चेक देगा, तो किंग से पॉन को ब्लॉक कर दो। अब देखो, किंग के पास यही जगह है और सभी जगह में उसका पॉन हमें मिल जाएगा, तो ड्रॉ हो जाएगी ऐसे ही। तो किंग इधर आएगा, उसको बचाने के लिए फिर वापस से हम किंग को पीछे लेंगे पॉन की लाइन में। ध्यान रखिए, मूव ऑर्डर यहाँ पे किंग D6, तो आपको खेलना है किंग D4, चेक दिया तो किंग E4, देन किंग E6 फोर्स मूव, वापस से किंग को E3 पे लाओ। किंग यहाँ पे F5 खेलता है, तो किंग F3 चेक, किंग से पॉन को ब्लॉक करो, वापस से किंग E5 फोर्स मूव,
किंग पॉन की लाइन में खेलो, उसके बाद लास्ट में ऐसे ऐसे करके आपका ये पोजीशन जो मैंने पहले बताई थी स्टेलमेट की, उस पोजीशन में आप आ जाओगे। और बाद में ये चेक और यहाँ पे किंग और ये ब्लैक को खेलना पड़ेगा और स्टेलमेट हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है, यही मूव ऑर्डर, यही वीडियो आप बार बार देख के प्रैक्टिस करके ड्रॉ के लिए एकदम तैयारी कर सकते हो। ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर जरा भी आपने मिस्टेक कर दी तो आप गेम लॉस हो जाओगे। जैसे कि ये पोजीशन में अगर कि पॉन आपका सामने वाले का थर्ड रैंक पे आ गया, थर्ड रैंक पे आने के बाद आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों। जैसे कि अगर मेरे किंग को E1 खेलना है, उसके बजाय मैं किंग D1 खेलता हूं, तो यहां ब्लैक जीत सकता है आराम से किंग F3 करके। उसके बाद आप किंग E1 खेलोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, यहां पे E2 और स्टेलमेट नहीं होगा, ताकि आपके किंग के पास D2 का स्क्वायर बचता है और उसके बाद ब्लैक किंग स्लीपिंग में आ जाएगा और नेक्स्ट मूव में उसकी क्वीन प्रमोट हो जाएगी। तो ये मिस्टेक से आप गेम हार सकते हो। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 6 रैंक के बाद तो बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करनी है, किंग को पॉन की लाइन में ही खेलना है। अगर वो किंग इधर आता है तो किंग को इस साइड ले लो, और अगर वो किंग को इस साइड लाता है तो किंग को F1 पे ले लो। अगर किंग आपको कंफ्यूज करने के लिए F4 खेलता है तो वापस से किंग को E2 पे ले लो, ये स्ट्रेटेजी याद रखो। अब मैं आपको अपोजिशन स्लीपिंग में बता देता हूँ। स्लीपिंग अपोजिशन में आपको अगर आपके पास पॉन है तो आपको विनिंग कैसे करना है। विनिंग करने के लिए किंग आपके पॉन से आगे होना चाहिए दोस्तों, अगर पीछे है तो ऑलरेडी ड्रॉ है। जैसे कि ये किंग इधर के बजाय इधर है और ये पोजीशन है, तो ऑलरेडी गेम ड्रॉ होगी। लेकिन किंग आपका पॉन के आगे है तो आप जीत सकते हो। लेकिन ये जो पोजीशन मैंने रखी है, इसमें अगर ब्लैक का चांस है तो ही आपकी विनिंग है, आपको खेलना है अभी तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। आपने ये खेला तो किंग वर्टिकल में ही खेलेगा ब्लैक, बाद में आप चेक दोगे तो फिर वही पोजीशन आ गई वर्टिकल वाली और गेम हो जाएगी ड्रॉ। तो दोस्तों यहाँ पे मूव ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर ब्लैक को खेलना है तो ब्लैक इस साइड खेलता है तो आपको किंग कहाँ खेलना है, D3। सॉरी, ये तो बहुत ही गलती हो गई, ये तो ड्रॉ पोजीशन हो गई। यहाँ पे ध्यान रखो, आपको D3 नहीं खेलना है, स्लीपिंग में ले जाना है किंग को F4 पे। आपको गेम जीतनी है तो किंग को स्लीपिंग में रखना है। ध्यान रखिए, वर्टिकल मत होने दीजिए। जब सामने वाला किंग पॉन की लाइन में खेलता है तो आपको अपने पॉन की लाइन में फिर से किंग लाना है, ताकि उसका किंग के पास मूव चली जाए और वो स्लीपिंग में जाए। अब वो बैक जाता है तो उसे पुश करिए, जैसे ही स्लीपिंग में जाता है तो आप स्लीपिंग में चले जाइए। लास्ट में ऐसी पोजिशन आएगी और उसके बाद आपको पॉन, जब आपका किंग 6 रैंक पे आता है फिर आपको पॉन चलाना है। किंग इधर आया, आपको ये पॉन 2 स्टेप चलाना है, किंग E8, पॉन E5, किंग D8, तो किंग F7 और अनस्टॉपेबल क्वीन हो रही है यहां पे 3 मूव में, जिसे किंग रोक नहीं सकता। तो ये थी अपोजिशन की स्ट्रेटेजी। ये वीडियो बार बार देख के अपोजिशन के रूल्स एकदम आप क्लियर कर दीजिए। अब मैं आपको बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब जो एक्सपर्ट प्लेयर वाली एंड गेम है, उसके बारे में दिखाने जा रहा हूं। ये थी एकदम बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग में चेस खेलते हैं, सीखते हैं, उसके लिए। लेकिन अब आपकी बारी है। दोस्तों ये पोजीशन है B5 पे, जो पॉन है नाइट की फाइल में। यहां पे आपके पास अगर आपका टर्न है तो सिंपल विनिंग है। आपको यहां पे किंग A6 खेलना है। किंग C6 खेलने से क्या होगा, ब्लैक किंग A7 आएगा, उसके बाद अगर आपने B6 किया तो किंग A8 आ जाएगा और गेम हो जाएगी ड्रॉ, क्योंकि अब आप किंग ऊपर नहीं खेल सकते, स्टेलमेट होती है। किंग पीछे लाओगे तो किंग B7 और वो वर्टिकल अपोजिशन वाली पोजिशन आ जाएगी। तो यहाँ पे की मूव्स, की स्क्वायर, की मूव्स, ये सब खास ध्यान रखना है। ये पोजिशन में किंग C6 गलत है, किंग A6 इज करेक्ट। किंग A6, ब्लैक खेलेगा किंग A8, उसके बाद पॉन B6, किंग B8, C
B7 देन किंग के पास बाहर निकलने का रास्ता है और किंग A7 उसके बाद विनिंग है। यहां भी ड्रॉ नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सामने वाले का किंग यहां पे है, अगर गलती से आपने किंग C6 कर दिया तो भी ड्रॉ तो नहीं है, लेकिन ये गलती आपको फिर से सुधारनी होगी। जैसे कि किंग C6 ब्लैक खेलेगा किंग A7, अब आपको पॉन चलाओगे तो ड्रॉ हो जाएगी। ध्यान रखिए यहां पे पॉन मूव नहीं होगा, किंग C7 करना है, ब्लैक किंग A8 जाए, उसके बाद किंग B6 और फिर सेम पोजीशन वापस आपको मिल गई, और बाद में किंग A6 करके आप विनिंग कर सकते हो। तो ये था एक की स्क्वायर का और की मूव का पजल की पोजीशन। दोस्तों ये पोजीशन है, कोई एंड गेम की पोजीशन में आपकी छोटी छोटी मिस्टेक जो है, एकदम छोटी सी सिली मिस्टेक जो आपको गेम ड्रॉ करवा सकती है। जैसे कि व्हाइट से हम जीत रहे थे, लेकिन जीतने का विनिंग का तरीका क्या है यहाँ पे? अगर व्हाइट टू प्ले, सबसे पहले हम खेलेंगे किंग C2, ब्लैक आपके क्वीनिंग स्क्वायर में आने के लिए किंग E7 करेगा, यहाँ पे आपको खेलना है किंग B3। रूट याद रखो, कौन सा रूट विनिंग का है। यहाँ पे किंग D6 आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक जो ऑप्शन है वो गेम को ड्रॉ करवाती है और दूसरा जो ऑप्शन है वो गेम को विनिंग करवाता है। ड्रॉ वाला ऑप्शन पहले मैं बताता हूं, जहां किंग C4 आपने कर दिया तो ये गेम हो जाएगी किंग C6 के बाद अपोजिशन ड्रॉ बाय वर्टिकल। तो यहां पे मिस्टेक ये आपकी किंग C4 वाली मिस्टेक है, किंग A4 ये विनिंग लाइन है। ब्लैक खेलेगा किंग C6 देन फॉलो बाय किंग A5 टू किंग A6। अब ब्लैक कुछ भी करे, आपको वर्टिकल अपोजिशन में से वो स्लीपिंग अपोजिशन में कंप्लीटली आपको देना पड़ेगा। जैसे कि ब्लैक ने किंग B7 किया तो सिंपल आप खेलोगे किंग B5 देन गेम विल बी विन, क्योंकि मूव हमने ब्लैक को पास किया है और वर्टिकल में से ब्लैक स्लीपिंग में जाएगा कंपलसरी। अगर B8 जाता है तो यहां पे किंग B6 आफ्टर किंग A8 सिंपल पॉन पुश किंग B8 देन किंग A6, जो इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने बताया सेम वही पोजीशन आ गई और गेम आपकी सिंपल विनिंग है। तो एक मिस्टेक आपकी गेम ड्रॉ करवा सकती है और एक परफेक्ट मूव आपको, परफेक्ट चाल मतलब परफेक्ट रूट, किंग को कौन से रूट में ले जाना है ये तय करना है आपको। ये इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अब आप लोग एक्सपर्ट प्लेयर हो चुके हो, बहुत सारी ओपनिंग सीख चुके हो, तो ओपनिंग के बाद परफेक्ट गेम मतलब एंड गेम में आपका परफेक्शन होना जरूरी है। 0-0 सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एकदम एंड गेम में कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होगा मेरी चैनल में। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, हर एक वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। चलिए दूसरी पोजीशन दिखाता हूं आपको दोस्तों। ये पोजीशन है और ये जो ट्रेनिंग है आपकी, ये एकदम ग्रैंड मास्टर लेवल की है। GM थिंक लाइक ए ग्रैंड मास्टर ऐसी एक बुक बनी है जिसमें से मैंने बहुत सारी एंड गेम्स चुराई। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको व्हाइट से खेलना है। व्हाइट इज विनिंग दिस गेम, व्हाइट ये गेम जीत सकता है, लेकिन एक मिस्टेक अगर व्हाइट ने कर दी तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। सबसे पहले व्हाइट को किंग F2 पे खेलना है। अब किंग F2, आप किंग G1 होके H2 होके यहाँ पे ये रूट पसंद करोगे तो ब्लैक का किंग उसके पॉन को डिफेंड कर सकता है। किंग F2 के बाद ब्लैक खेलता है पॉन H4। ब्लैक क्यों पॉन H4 खेलेगा? अगर ब्लैक ने किंग D7 किया तो यहां किंग G3, किंग E6, किंग H4, किंग यहां आएगा और किंग टेक्स पॉन, और उसके बाद स्लीपिंग अपोजिशन भी है व्हाइट के पास और थ्रू आउट पॉन क्वीन भी बन सकता है। तो यहां पे सिंपल विनिंग है अगर ब्लैक ने किंग खेला तो। फिर से वही पोजीशन देखते हैं, किंग F2 के बाद
ब्लैक को खेलना पड़ेगा एच फोर फर्स्ट। एच फोर किस लिए? कि अगर आपने पॉन मूव किया तो वो एन पास से मार सकता है। यहां पे वो रुक पॉन को एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक। अब की मूव आपका क्या है यहां पे? इसमें की मूव क्या है? किंग एफ थ्री। आप सोचोगे किंग एफ थ्री होना चाहिए, लेकिन मैं मना करूंगा। किंग एफ थ्री इज ए ब्लंडर। क्यों? कि ब्लैक यहां पे एच थ्री सेक्रीफाइस कर देगा पॉन। जब आप पॉन टेक्स पॉन करोगे या नहीं मारोगे तो उसका पॉन प्रमोट हो रहा है। अगर आपने उसे मार दिया तो ये किंग एच बाय डी एट, फिर आप किंग चलाओगे और उसके बाद किंग ई एट, और रुक वाला पॉन है तो किंग उसे कंट्रोल कर लेगा। और कॉर्नर में सामने वाले का किंग आने के बाद आप जानते हो कि रुक वाला पॉन कभी भी क्वीन बनती नहीं है। फिर से देखते हैं, इसी पोजीशन में हमने कहां मिस्टेक कर दी। पहला मूव हमारा करेक्ट था, दूसरा डिसीजन लेने में ध्यान रखिए। यहां पे ब्लैक खेलेगा एच फोर, तो एच फोर के रिप्लाई में आपको किंग खेलना है जी वन। ये एक बहुत ही सरप्राइज मूव है। अब यहां अगर ब्लैक एच थ्री करता है तो यहां पॉन खेलना है जी थ्री पे। अब देखो गेम की विनिंग कैसे धीरे धीरे आती है। जी थ्री के बाद ब्लैक खेलेगा किंग डी सेवन, वो आपके पॉन को भी स्टॉप करने जाएगा। यहां पे किंग एच टू, उसके बाद किंग ई सिक्स, किंग टेक्स एच थ्री, किंग एफ फाइव, किंग एच फोर और किंग जी सिक्स, देन किंग जी फोर और सिंपल विनिंग। तो दोस्तों ये ग्रैंड मास्टर्स जो ज्यादा टॉप प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल मास्टर आईएम लेवल के प्लेयर है, जीएम लेवल के प्लेयर है, तो ओवर 2000 रेटिंग वाले प्लेयर है, उन सभी की सोच इस प्रकार होती है। आपको भी अपना थिंकिंग ऐसा बनाना है तो मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा आपको एंड गेम सीखने में। तो मेरे हर एक वीडियो मिस मत कीजिए, हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नया एंड गेम में सीखने को मिलेगा। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय गुजरात।